السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وصليا على محمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. آدانيا شبابتين عزيز एवं सम्मानित गुरुजन एवं इस मंच में बैठे हुए सभी शिक्षक और मेरे प्रिय सज्जनों, आज के इस पवित्र वार्षिक सभा में मेरी कथन का विषय है आत्मचेतना की दृष्टि में। प्रिय साथियों, आज जब हम संसार पर दृष्टि डालते हैं तो याद होता है कि इस समय संसार में आए दिन आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, आत्मचेतना की दृष्टि में एक गंभीर पाप है, क्योंकि इस जैसे एक पाप में बहुत सारे पाप सम्मिलित हैं। आत्महत्या करने वालों को इस्लाम यह सूचना देता है कि इस गंभीर अपराध करने वाला सदैव नरक ही में रहेगा। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पर सब को अर्जित बताया है, अतः आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। जैसे कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में घोषणा किया, वला तक्तुलु अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम अपने से अपनी जान मत लो, निश्चित रूप से ईश्वर तुम्हारे लिए दयालु है। जो व्यक्ति अल्लाह की तरफ से आए हुए फरमान एवं परीक्षाओं को सही न कर सके और कठिनाइयों पर धैर्य न रख सके, उसने जीवन से निराश होकर अपने आप को मार डाले तो वह उसे नर्क में डाल देंगे। प्रिय सज्जनों, हमें कभी भी ईश्वर के दया से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके दया से निराश तो केवल नास्तिक ही होता है। जैसे कि अल्लाह का कथन है, وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ لَلْجَوَالُونَ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा किया है कि तुमसे पहले जाति में एक व्यक्ति था जिसे घात पहुंची तो वह उसे सहन न कर सके और अपना हाथ काट डाला, फिर उससे खून जारी हो गया, यहाँ तक कि उस सर से चल बसे तो अल्लाह ने उसके बारे में घोषणा किया कि बादरानी अब्दी ही बेनफ्सी हरुम तो अलैह मिल जन्ना, मेरे बंदे ने अपने प्राण के बारे में शीघ्रता की, इसलिए मैंने उस पर सबको निश्चित कर दिया। अर्थात जो व्यक्ति अलग मुख कर गोली मार कर अपने आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा किया थी, الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار, तथा दूसरे स्थान पर घोषणा की, من قتل نفسه بشيء في الدنيا उद्दीम भी ही अमल जो व्यक्ति गला घोट कर मारता है सो नर्क में आग से घुटेगा, या जो व्यक्ति संसार में वास्तु से अपने आप को मार डालता है तो उसे पहले के दिन उसी वास्तु से दंड दिया जाता रहेगा। इन हदीसों से स्पष्ट होता है कि आत्महत्या चाहे किसी भी प्रकार की दंड सिद्ध है, इसी कारण किसी भी व्यक्ति को इसी तरह मृत्यु के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें चारों तरफ हानियां ही हानियां हैं। अंत में अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमें आत्महत्या जैसे गंभीर पाप से बचाए तथा इसको हमारे समक्ष से मिटा दे। आमीन व मालिन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.